बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंप्यूटर वाले से कुछ चीज़ें देख रहे होंगे। अभी तक हमने असेंबली लैंग्वेज में अपने जैसे हमने बात बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी, कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर ऑर्गेनाइजेशन में दो एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन इज द आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर या इंस्ट्रक्शन सेट। आर्किटेक्चर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड गिव अस नाउन आउटपुट। वेदर और जबकि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है कि वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट इमेज है या वो इंस्ट्रक्शन सेट है, वो किस तरीके से मुख्तलिफ कॉम्पोनेंट्स से मिलकर बनाए। ठीक, तो अभी तक जो हमने आज हमें कंप्यूटर के डिज़ाइन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को रियलाइज करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें फाइनलाइज करना है कि हमारा कंप्यूटर क्या कुछ कर सकता है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस चला सकता है। आर टाइप की इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी है हमारे पास? ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, एंड, और इसके अलावा भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस को देख रहे होंगे। दूसरे नंबर पे इन तमाम इंस्ट्रक्शंस की खासियत है कि इन तमाम इंस्ट्रक्शंस में हमारे पास तीन रजिस्टर्स यूज होते हैं। डेस्टिनेशन है, सोर्स वन और सोर्स टू, और ऑपरेशन से हमें पता चलता है कि हम क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं। नंबर टू हमारे पास है आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस। आई टाइप की इंस्ट्रक्शंस वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें हमारे पास दो रजिस्टर्स, डेस्टिनेशन और सोर्स वन, दो रजिस्टर्स और तीसरा एक कांस्टेंट होता है। इनमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं? हमने लोड वर्ड को देखा, हमने स्टोर वर्ड को देखा, हमने एड आई को देखा, हमने ब्रांच इक्वल को देखा और हमने ब्रांच नॉट इक्वल को देखा। ठीक है, लोड वर्ड क्या करता है? मेमोरी से डाटा लेके आता है। स्टोर वर्ड क्या करता है? मेमोरी में डाटा स्टोर करता है। एड आई हमारे पास इमीडिएट को एडिशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा करना चाहते हैं, a इज इक्वल टू b प्लस 5 करना चाहते हैं, b eq ब्रांच इक्वल है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है अगर c में हम इसको देखें तो, दैट इज इफ a इक्वल टू b, और b एन ई हमारे पास क्या है कि इफ a नॉट इक्वल टू b। ठीक है जी, अगेन जैसे हमने पहले बताया कि इन तमाम इंस्ट्रक्शंस में दो रजिस्टर्स और एक कांस्टेंट होता है। तीसरी टाइप की इंस्ट्रक्शन जे टाइप की इंस्ट्रक्शन। जे टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ जे, या जिसको हम जंप भी कहते हैं। किसी का टेक्स्ट में जे भी यूज हुआ है, किसी का जे एम पी भी यूज हुआ है, उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही। इसमें हमारे पास सिर्फ क्या होता है? ऑप कोड होता है और कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट बेसिकली बताता है कि आप अपने कोड में कितना आगे कितना पीछे जाना चाहते हैं। ये हम मजीद इसको समझने के लिए हमारी प्रीवियस जो है वो क्या कहते हैं लेक्चर्स को आप देखिए, जिससे आपको समझ आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम डिजाइन कर सकते हैं एक सिंपल एज पॉसिबल कंप्यूटर। ठीक है जी, सिंपल एज पॉसिबल कंप्यूटर हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम सैप भी कहते हैं। तो आए हम इसको फॉर्मली स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सिंपल कंप्यूटर जो है वो हमारे पास काम करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहली चीज हमें कुछ कॉम्पोनेंट्स का पता होना चाहिए कि कॉम्पोनेंट्स क्या करते हैं। नंबर वन हमें पता होना चाहिए के गेट्स क्या होते हैं। सो हमारे पास लॉजिकल गेट्स, ठीक है जी। फिर हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हमें पता होना चाहिए कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है जी, हम इन तमाम एस्पेक्ट्स को बारी बारी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेट्स क्या होते हैं। गेट्स बेसिकली आपने देखे होंगे हमारे पास नॉर्मली, आपने डिजिटल लॉजिक डिजाइन के कोर्स में पढ़ा होगा कि हमारे पास एंड गेट होता है, और गेट होता है, एक्स और गेट होता है, नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है और एक्स नॉर गेट होता है। ठीक है जी, एक्स नॉर गेट को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव नॉर, और इसको हम कहते हैं एक्स और गेट को एक्सक्लूसिव और। ठीक है जी, हर एक गेट की एक डिफाइंड इनपुट के अगेंस्ट डिफाइंड आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एंड गेट को देखें, इसको हम डिनोट करते हैं ए एंड बी
या बहुत जगह टेक्स्ट में ए डॉट बी सी भी डिनोट किया जाता है। सो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं ए और दिस इज बी, तो हमारे पास 0 1 0 1, तो 0 0 पे ये 0 होगा, 0 1 पे भी 0 होगा, ठीक है जी, 1 0 पे भी 0 होगा और 1 1 पे सिर्फ 1 होगा। सिमिलरली हमारे पास और गेट है, एंड गेट, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एंड गेट में हमारे पास हम इसको डिनोट करते हैं ए एंड बी से, और बाज अगर टेक्स्ट में ए डॉट बी से भी इसको डिनोट किया जाता है। और इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखें तो इससे हमें पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम ही वन होगा जब हमारे पास ए और बी दोनों वन हो। इसके अलावा हमारे पास और गेट है, और गेट को अगर देखें तो इसको टेक्स्ट में इस तरह से भी रेफर किया जाता है और बाज अगर इसको इस जगह से भी रेफर किया जाता है, ठीक है जी। अगर हम इसका भी ट्रुथ टेबल बनाए ए एंड बी, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की आउटपुट आती है, यानी कि ए और बी में से कोई एक भी अगर वन होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। एक्सक्लूसिव और गेट हमारे पास इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस सिंबल्स, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव और हमारे पास क्या शो करता है कि अगर इसका ट्रुथ टेबल अगर देखें तो 0 1 0 1 ए और बी, तो जहां कहीं पर ए और बी दोनों इक्वल होंगे ये 0 होगा, अदर देन इट विल बी 1, ठीक है जी। ये बेसिक 3 गेट है और इन गेट्स का कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन भी हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल एंड का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नैंड है, और का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नॉर है, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास एक्स नॉर, ठीक है जी। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट गेट्स हैं वो हैं हमारे पास नैंड एंड नॉर, ठीक है जी। इनको यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहा जाता है कि इनकी मदद से बाकी तमाम गेट्स या बाकी तमाम लॉजिक्स बन सकती हैं, ठीक है जी। सो नॉर लॉजिक भी हो सकती है, आपके पास नैंड बेस्ड लॉजिक भी हो सकती है। सो बेसिकली आपको अगर याद हो जब आप लैच डिजाइन की थी तो लैच के डिजाइन में आपने नॉर गेट यूज किया था, ठीक है जी, जिसको हम डी लैच कहते हैं, या आप लोगों ने अपने डीएलडी के कोर्स में पढ़ा होगा। जस्ट रिवीजन के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कोई नहीं भी आती चीजें कोई मसला नहीं है, हम ये बाद में अपने टाइम में इनको रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो ये अगर हम डी लैच की बात करें, ठीक है, और ठीक, और दिस इज हमारे पास ये क्या था, इसको हम कह सकते हैं कि क्यू एंड क्यू बार, ठीक है जी। सो ये एक हमारे पास डी लैच का सर्किट है जिसको हम नॉर गेट की मदद से कर सकते हैं। सिंबल्स मैं दोबारा से बता दूं कि एंड गेट का सिंबल आपके पास ये है, और गेट का सिंबल आपके पास ये है, और एक्स और गेट का आपके पास सिंबल ये है, ठीक है जी। जबकि इनके ऑपोजिट या इनके कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि आगे एक जो आपके पास बबल लग जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये नैंड नॉर या एक्स नॉर है, ठीक है जी। सो गेट्स हमें काफी हद तक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है जी। हम इससे आगे वाले कंपोनेंट्स को देखते हैं, वो कंपोनेंट्स कौन से हैं। सो इससे नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स ये आप लोगों की असाइनमेंट 1 भी है, आप लोगों को अगर याद हो और अगर आप लोगों ने बनाई है। सो मल्टीप्लेक्सर्स बेसिकली क्या है कि बहुत सारी इनपुट्स में से कोई एक इनपुट चूज करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, इसका सिंबल हमारे पास ये, ठीक है जी। होता है क्या है कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ रही होती हैं, इनपुट 0, इनपुट 1 एंड सो ऑन, इनपुट n माइनस 1, ठीक है जी। ये इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहूंगा, ठीक।
और इन सब इनपुट्स की सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट जा रही होती है बेस्ड अपॉन सम सिग्नल जिसको हम सेलेक्ट लाइन कहते हैं। सेलेक्ट लाइन बताती है कि हम इनमें से कौन सी लाइन एज आउटपुट सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, दिस इज आउटपुट। सो सेलेक्ट लाइन बताती है कि आउटपुट या तो इन जीरो होगी या फिर इन वन होगी या फिर इन टू होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, या इन एन माइनस वन होगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि और हम कहते हैं कि दिस इज इस तरह के सर्किट को कहते हैं एन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर, एन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर। ठीक है जी, और एन क्रॉस एन मल्टीप्लेक्सर हमारे पास आ चुका है। अच्छा जी, दूसरी चीज क्या होती है कि मल्टीप्लेक्सर की बिट, कि मल्टीप्लेक्सर में डाटा कितना आ रहा है। अब हो सकता है यहाँ से वन बिट का डाटा आ रहा हो, ठीक है जी, इन वन वन बिट का हो, इन जीरो भी वन बिट का हो, इन एन वन भी वन बिट का हो। तो हम कह सकते हैं ये एन क्रॉस वन मल्टीप्लेक्सर है विद लाइन विड्थ ऑफ वन बिट। सिमिलरली हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 32 बिट भी कर सकते हैं, हम 5 बिट भी कर सकते हैं। इट्स आवर चॉइस कि हम कितने बिट विड्थ रखते हैं हर इनपुट चैनल की। ठीक है, विड्थ से मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक एरे ऑफ बाइनरी नंबर्स हो जाएगी, इन जीरो जो है उसमें सात या आठ लेट्स, अगर 32 कहते हैं तो 31 डाउन जीरो, इतनी हमारे पास बिट्स होंगी। ठीक है जी, हर एक इनपुट। ठीक, सो मल्टीप्लेक्सर हम अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करते हैं। तो हम एक डिजाइन करते हैं मल्टीप्लेक्सर, इसको मक्स भी कहा जाता है टेक्स्ट में। सो मक्स डिजाइन करते हैं 2x1 विद 1 बिट विड्थ। सो अगर आप देखें तो इसमें दो इनपुट्स हैं I0 एंड I1 और एक आउटपुट है O। ठीक है जी, और वन बिट विड्थ है। वन बिट विड्थ का मतलब क्या है कि I भी वन बिट है, I0 भी वन बिट है, I1 भी वन बिट है और O भी वन बिट है। ठीक है जी, सो ये हमारे पास एक एग्जांपल होगी। ठीक है, 2x1 और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन बताएगी कि हमें किस टाइम पे कौन सी इनपुट आउटपुट पे भेजनी। सो अगर सेलेक्ट जीरो है तो हमारा दिस इंप्लाइज कि आउट इक्वल टू I0, और अगर सेलेक्ट वन है दिस इंप्लाइज कि आउट इक्वल टू I1। ठीक है जी, सो सेलेक्ट हमें बताता है कि हमारे पास कौन सी इनपुट आउटपुट पर जाएगी। ठीक है जी, सो अगर हम दो इनपुट्स में सिलेक्शन करना चाह रहे हैं, सो एक फॉर्मूला ज़हन में रख लें कि सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी। सेलेक्ट लाइंस होंगी हमारे पास लॉग 2n। ठीक है जी, या ये एक्चुअली स्मॉल n लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, स्मॉल एन लिखना चाहूंगा, यानी कि जितनी आपके पास इनपुट लाइंस हैं उनका लॉगरिथम लें, अगर आप लॉग बेस 2 लें उतनी हमारे पास सेलेक्ट लाइन आ जाती है। सो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लाइंस में हमारे पास कितनी बिट्स होंगी ये बताता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2x1 मल्टीप्लेक्सर की, तो हमारे पास एन क्या है यहाँ पर 2। ठीक है जी, सो लॉग 2 ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग 2 ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1। सो इसका मतलब है सिंगल, और हमें पता भी चल रहा है कि सिंगल सेलेक्ट लाइंस हमारे पास किस तरीके से आ रही है। ठीक है जी, यहां तक हमें बात समझ आ गई। हम एक और एग्जांपल करते हैं मल्टीप्लेक्सर की। हम कहते हैं कि 4x1 मल्टीप्लेक्सर हमारे पास आता है, 4x1 विद 8 बिट विड्थ। ठीक है जी, 8 बिट विड्थ। सो हमारे में पता चलता है कि n हमारे पास कितना है इस केस में, 4। ठीक है जी, तो इसका मतलब हमारे पास इनपुट्स कितनी है, 4 इनपुट्स हैं, I0, I1,
I2, I3, this is O output. अब हमें पता चलाना है कि कितनी select lines आएंगी, कितनी select lines आएंगी. So for example हम कहते हैं कि अगेन हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, फॉर्मूले में प्लग इन करते हैं सिलेक्ट, ठीक है जी. तो लॉग टू ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर, सो दैट विल बी टू. सो इसका मतलब सिलेक्ट लाइंस कितनी है हमारे पास, दो, ठीक है जी. तो दो बिट की सिलेक्ट लाइन, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं दैट इज सिलेक्ट जीरो और सिलेक्ट वन, ठीक है जी. अब दो बिट्स में हम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर हम सिलेक्ट जीरो और सिलेक्ट वन को देखें तो जीरो जीरो हो सकता है, जीरो वन हो सकता है, वन जीरो हो सकता है, वन वन हो सकता है, और अगर जीरो जीरो है तो आउटपुट पर क्या आ जाएगा, आई जीरो. जीरो वन है तो आउटपुट पर आई वन, जीरो टू है तो आई टू, और वन वन है तो आई थ्री, ठीक है जी. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है जी. यहाँ तक हमें बात क्लियर हो चुकी. सो अब हम दो किस्म की चीजें देख चुके हैं, लॉजिकल गेट्स देख चुके हैं और मल्टीप्लेक्सर्स देख चुके हैं, ठीक है जी. तीसरी चीज हमारे पास क्या है, दैट इज ALU, 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 ALU को क्या कहा जाता है, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि इसने बहुत सारे आपके पास ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके उनकी आउटपुट आपको शो करनी है, ठीक है जी. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से हो सकते हैं, अब हम ये डिपेंड करता है हम किस किस्म की स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं. तो हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, हम ऐड करना चाह रहे हैं, सबट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, और करना चाह रहे हैं, ठीक है जी. इनके अलावा हम और कोई इंस्ट्रक्शन यूज नहीं करना चाह रहे, ठीक है जी. तो हम वी विल कीप इट सिंपल, और हम कहेंगे कि हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या कर सकता है. सो दैट कैन डू एडिशन, दैट कैन डू सब्ट्रैक्शन, दैट कैन डू एंड और, ठीक है जी. और को हम जो है वो प्लस के साइन से शुरू कर, प्लस नहीं बल्कि कंफ्यूजन हो जाएगी, डॉट से शुरू कर, एक्चुअली लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है जी. तो ये काम हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कर सकता है, ठीक है जी. अब हमारे पास इसका मतलब क्या है कि हम अगर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को इनपुट दें ए और बी, दो इनपुट्स, ठीक है जी. सिमिलरली यही सब्ट्रैक्ट को दें, ठीक है जी, और सिमिलरली यही और को भी दें. इनके अलावा भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा, ए एंड बी आएगा, ए और बी आएगा, ठीक है जी. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, ए और बी जब भी इनपुट देंगे वो उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एंड और के रिजल्ट्स हमारे पास प्रोवाइड कर देगा. लेकिन मसला क्या है कि हमें ये सारे के सारे रिजल्ट्स एट अ टाइम नहीं चाहिए, हमें इनमें से कोई एक रिजल्ट चाहिए. फॉर एग्जांपल ऐड के केस में हमें सिर्फ एडिशन का रिजल्ट चाहिए, सब के केस में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट चाहिए, एंड के केस में हमें एंड ऑपरेशन का रिजल्ट चाहिए, और के केस में हमें सिर्फ और सिर्फ और ऑपरेशन का रिजल्ट चाहिए, हमें इनके अलावा रिजल्ट्स नहीं चाहिए, जबकि इतने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं. सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है जी. और सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हमें इनमें से कोई एक चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी. और ये हम कैसे चूज कर सकते हैं, हम एक यूनिट यूज करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, मक्स या मल्टीप्लेक्सर. सो हम मक्स यूज करेंगे इसके आगे, और वो मक्स हमारे पास आउटपुट देगा. अच्छा, अब वो मक्स आउटपुट क्या देगा, वो देगा या तो ए प्लस बी देगा, या ए माइनस बी देगा, या ए एंड बी देगा, या ए और बी देगा. हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा हम क्या करना चाह रहे हैं. तो अगेन हम वापस अपने स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे. तो हमें बेसिकली हम कैसे डिसाइड करते रहते हैं कि ए प्लस बी कब आएगा, जब हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट लाइन, पहली चीज देखें ये कितने इनपुट सिलेक्ट हमारे पास मकसद तो हमें नजर आ रहे हैं, दैट इज कि ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है जी, 4x1 मल्टीप्लेक्सर.
और हमें अब सिलेक्ट करना है कि इनमें से आउटपुट कौन सी जाएगी। सो अगर हमें ए प्लस बी भेजना है तो यहाँ पे फोर क्रॉस वन का मतलब है कि हमारे पास सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, दो, जीरो सिलेक्ट वन, ठीक है, ये हमने पीछे अभी देखा। तो जब जीरो जीरो होगा तो हमें क्या भेज देंगे, हम क्या आउटपुट पे आएगा, हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा। सो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो सिलेक्ट जीरो सिलेक्ट वन एंड आउटपुट, तो सिलेक्ट जीरो जीरो होगा तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी, सिलेक्ट जीरो वन होगा तो आउटपुट पे हमारे पास क्या आ जाएगा ए माइनस बी, सिलेक्ट वन जीरो होगा तो हमारे पास ए एंड बी, और सिलेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा वन वन तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए और बी, ठीक है जी। सो इसका मतलब है कि हमें ए प्लस बी का रिजल्ट कब चाहिए होगा, हम इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जब कभी हमें एडिशन करनी है तो हमें ए एल यू की सिलेक्ट लाइन्स पे क्या देना होगा, जीरो जीरो, ताकि हमारे पास एडिशन का रिजल्ट आए। और जब कभी हमें सब्ट्रैक्शन करनी है तो हमें सिलेक्ट पर क्या देना होगा, जीरो वन, ठीक है जी, सिलेक्ट पर जीरो वन होगा तभी हमारे पास आउटपुट पर ए माइनस बी आएगा, ठीक है जी। और सिमिलरली जब हमें एड का रिजल्ट चाहिए होगा तो सिलेक्ट पर क्या देना होगा, वन जीरो, और जब हम वन वन देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी, ठीक है जी। सो अगर हम ए एल यू का डिजाइन देखें तो ए एल यू का डिजाइन कुछ इस सारे यूनिट को कंबाइन करके हम एक शक्ल देते हैं, ठीक है जी, और उस शेप को हम क्या कहते हैं, दैट इज ए एल यू, ठीक है जी। और इसको हम कह सकते हैं कि अगर कंबाइन कर लें तो दैट इज ए एल यू, ठीक है जी। ए एल यू को क्या मिल रहा है, एक ए और एक बी, और ये हमें क्या दे रहा है, एक आउटपुट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसको हमें और भी सिग्नल्स देने हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट लाइंस, और उन सेलेक्ट लाइंस को हम एक और नाम भी देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ए एल यू ऑप। ए एल यू ऑप बताएगा कि हम कौन सा ऑपरेशन आउटपुट पर लाना चाहते हैं, ठीक है जी। और ये ए एल यू ऑप हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन को देखना पड़ेगा। अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो ए एल यू ऑप पर हमें क्या भेजना पड़ेगा, हमें जीरो जीरो भेजना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आसानी के लिए, ऐड के केस में ए एल यू ऑप, ए एल यू ऑप जैसे हमने कहा कि इसकी दो बिट्स हैं, ए एल यू ऑप जीरो, ए एल यू ऑप वन, इनको हम सिलेक्ट जीरो और सिलेक्ट वन भी कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आसान नाम ए एल यू ऑप, जिससे पता चलता है कि ए एल यू कौन सा ऑपरेशन करेगा। तो अगर हमें एडिशन करवानी है तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, जीरो जीरो, सब्ट्रैक्शन करवानी है तो क्या भेजेंगे, जीरो वन, और हमें एंड करवाना है तो हम क्या भेजेंगे, वन जीरो, और करवाना है तो हम क्या भेजेंगे, वन वन, ठीक है जी। लिटरेचर में जो सिंबल यूज किया जाता है ए एल यू के लिए, हम वो भी बना लेते हैं। सो हमारे पास ए एल यू के लिए जो सिंबल यूज होता है, दैट इज के हमारे पास सॉरी गलत हो गया मेरे से, एक सेकंड, मैं ये मुझसे गलत हो गया, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, एक सेकंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी ड्राइंग की स्किल्स कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है जी। तो ए एल यू ऑफ, आप ए एल यू को इस सिंबल से भी आप शो करते हैं, दैट इज ए एल यू ऑफ। सो लिटरेचर में जो है वो इसके लिए ये सिंबल डिजाइन किया जाता है। मैं दोबारा से कोशिश करता हूँ ये कैसे बनाए, सो नीड लिटिल पेशेंस, ये मेरे ख्याल से अब सही बन जाएगा, अभी भी काफी गुंजाइश है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल से काफी हद तक बन चुका है, ठीक है जी। ए एल यू ऑफ, ठीक है जी। सो दिस इज हमारे पास, ये क्या, इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ए एल यू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसका काम क्या है कि ये एड सब्ट्रैक्ट एंड और ये ऑपरेशन करता है, ठीक है जी।
इसको इस सिंबल से डिनोट किया जाता है और इसको हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स में अपने यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट थिंग इज रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स हमारे पास, या जैसे आप जानते हैं रजिस्टर्स क्या होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, अगर हम देखें तो रजिस्टर्स जो हैं उनको इस तरह से शो किया जाता है। अगर आपको याद हो उनका सिंबल क्या रखा जाता है कि दिस इज क्लॉक, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, ठीक है। इसके अलावा एनेबल का सिग्नल भी होता है कई जगह पर हमारे पास, हम आसानी के लिए भी उसको नहीं कंसिडर कर रहे। सो इनपुट आउटपुट और क्लॉक, ठीक है जी। तो हमारे पास ये एक रजिस्टर का सिंबल होता है। सो जैसा कि हम जानते हैं कि हम मिप्स में तकरीबन जो है वो 32 रजिस्टर्स हैं, 32 रजिस्टर्स हैं, ठीक है जी, 32 रजिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक रजिस्टर, हर रजिस्टर के नाम क्या है कि हर रजिस्टर का नंबर उसका नाम है। सो डॉलर जीरो, डॉलर वन, डॉलर टू एंड डॉलर थ्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ, डॉलर 31। सो इसका मतलब हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं। सो अगर हमें एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें जो है वो उसके नंबर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। So, अगर टोटल हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं तो हमें 5 बिट क्या है रजिस्टर एड्रेस हमें चाहिए जो कि रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर रखी। सो हम कह सकते हैं कि अब हमें क्या जरूरत है, हमें रजिस्टर फाइल की जरूरत है। रजिस्टर फाइल बेसिकली क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। ये 32 रजिस्टर्स हैं, इनमें कौन कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास, जैसे हम शो कर सकते हैं कि ये डॉलर वन जीरो, डॉलर वन, डॉलर टू एंड सो फोर्थ, डॉलर 31। मैं बुरी लिखाई के लिए माजरत खाऊं, ठीक है जी। होगा क्या, इस रजिस्टर फाइल के हमारे पास क्या है, दो हैं इनपुट्स। हमें रजिस्टर्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं, हमें पता है कि हमें एडिशन करनी है। एडिशन में क्या होता है, दो रजिस्टर्स रीड किए जाते हैं रजिस्टर से। जैसा कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे एड डॉलर एस वन, डॉलर एस टू, डॉलर एस थ्री, सो क्या होगा कि डॉलर एस टू और डॉलर एस थ्री को रीड करके, ठीक है जी, उनको हम कहाँ से रीड करेंगे, रजिस्टर से, फाइल से रीड करेंगे, और उनकी एडिशन करके वापस किस में रखेंगे, रजिस्टर्स, रजिस्टर एस वन के अंदर। सो हम देख सकते हैं कि रजिस्टर फाइल को बेसिकली क्या ऑपरेशन देने हैं, एक तो उससे हम रीड कर सके, दूसरा उस पर क्या कर सके, राइट कर सके। और ये रीड और राइट आर्बिट्रेरीली नहीं हमें करने, हमें किसी लोकेशन पे करने हैं। तो सबसे पहली चीज हमें बतानी है कि हम रजिस्टर एस, रजिस्टर रीड वन, ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं कि आर एस वन कह दें, रजिस्टर सोर्स वन, ठीक है जी, रजिस्टर सोर्स टू, ठीक है। इनकी आउटपुट क्या होगी, हमारे पास 32 बिट रजिस्टर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, ए और बी। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है रजिस्टर डेस्टिनेशन, ठीक है। और तीसरी चीज हमें क्या बतानी है कि रजिस्टर डेस्टिनेशन ने डाटा कौन सा रखना है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिजल्ट, बेसिकली इसको हम रिजल्ट कह लेंगे अभी आसानी के लिए। सो होगा क्या कि आप आर एस वन यानी कि इसी इंस्ट्रक्शन को देखें हम, तो हम एस टू पे जो कुछ पढ़ा है और एस थ्री पे जो कुछ पढ़ा है, एस टू पे जो कुछ पढ़ा है वो किस पे ले आएंगे, हम ए पे ले आएंगे। एस थ्री पे जो कुछ पढ़ा है वो हम कहाँ पे ले आएंगे, बी पे ले आएंगे। और रिजल्ट कंप्यूट होने के बाद हमारे पास वो किस में रखेंगे, हम आर डी सिम एस वन में रख देंगे, कौन सा रिजल्ट जो कि इस पे पढ़ा है, ठीक है। सो रजिस्टर फाइल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो रजिस्टर फाइल का सिंबल जो है वो भी बड़ा सिंपल सा है, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास क्या है, आर एस वन, आर एस टू, आर डी और राइट डाटा भी इसे कहा जाता है, डब्ल्यू डी। आउटपुट क्या है इसकी, ए और बी, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके कुछ सिग्नल्स हैं जो कि बताते हैं कि अभी रजिस्टर पे हम क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम रजिस्टर पे राइट कर रहे हैं तो डब्ल्यू आर का सिग्नल, और जब हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे आर डी का सिग्नल, ठीक है जी। इनको हम डिटेल्स में देखेंगे। सो अभी तक हमने जो है वो
मुख्तलिफ चीजें देख ली, रजिस्टर्स को देख लिया हमने, ALU को देख लिया, लास्ट थिंग हमारे सीरीज की दैट इज द मेमरी। मेमरी भी तकरीबन रजिस्टर की तरह ही है, तो मेमरी में बेसिकली अगर हम देखें तो मेमरी का ऑपरेशन है कि उसको एक एड्रेस चाहिए, उस एड्रेस से हमें क्या ला के देगी वो डाटा। लेकिन ये वही केस होगा अगर हम लोड वर्ड करना चाह रहे हैं, डाटा मेमोरी से रीड करके लाना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें मेमोरी पे डाटा राइट भी करना पड़ सकता है, ठीक है जी। तो इसको डाटा आउट कह लेते हैं और इसको डाटा, और जब डाटा राइट करना होता है तो हम डाटा इन कहते हैं। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कब डाटा रीड करना और कब डाटा राइट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं मैम रीड, मैम आर डी, और इसी तरीके से एक सिग्नल होता है मैम राइट, मैम आर, ठीक है जी, जो कि बताता है कि अभी हम राइट करना चाह रहे हैं। सो अगर मैम राइट वन होगा तो इसका मतलब क्या है कि हम एड्रेस यहां से जो आ रहा है मेमोरी के अंदर उस एड्रेस को ढूंढेंगे, ठीक है जी। लेट्स से यहाँ पे 5 आ रहा था तो हम मेमोरी के अंदर हम कह सकते हैं कि 0, और मेमोरी हमें पता है कि लेट्स से हम कहते हैं 20 आ रहा था, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है जी। सो जब हमारे पास मेमोरी राइट का सिग्नल क्या है 1 है, तो क्या होगा कि डेटा इन, और यहां से हम कहीं से भी डेटा आ रहा है हमारे पास बी, हम डेटा कह सकते हैं कि 5 आ रहा है, तो हमारे पास क्या होगा मेमोरी राइट का सिग्नल, तो हम 20 लोकेशन को ढूंढेंगे, 20th लोकेशन यहां पर है, और जो कुछ डेटा यहां पे पड़ा है उसको हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है जी। याद रखें जब ये 1 होगा तो ये हमारे पास क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा, ठीक है जी। सिमिलरली जब हम क्या कर रहे होंगे, हम रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, हम रीड करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इनिशियली ये सिग्नल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और 20 एड्रेस पे जाएंगे, जो कुछ पड़ा है उसको हम कहाँ ले जाएंगे डेटा आउट पे ले जाएंगे, ठीक है जी। सो मेमोरी की भी हम सिंपल सी अगर लोटेशन देखें तो ये हमारे पास कुछ यूं बन जाएगी, एड्रेस है, डेटा इन है और डेटा आउट है, और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स हैं। कंट्रोल सिग्नल्स बताते हैं कि आप क्या ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है जी, मैम रीड एंड मैम राइट, ठीक है जी। आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इन तमाम कंपोनेंट्स में जो चीजें जानने की जरूरत है वो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि आपको ये जानने की जरूरत है कि ALU काम किस तरीके से करता है, ठीक है जी। ALU से पहले हम बात करें तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि मल्टीप्लेक्सर काम किस तरीके से करता है। मल्टीप्लेक्सर काम इस तरीके से करता है कि उसके मुख्तलिफ इनपुट्स आ रही होती हैं और सिलेक्ट लाइन की बेस पे वो डिसाइड करता है कौन सी इनपुट आउटपुट पर जाएगी, ठीक है जी। जैसा कि हम इस केस में देख सकते हैं कि हमारे पास I0, I1, I2, I3 इनपुट्स आ रही और O एक आउटपुट आ रही है और सिलेक्ट लाइन है हमारे पास। सो अगर 0, 0 है तो इसका मतलब है हम पहली इनपुट को आउटपुट पर ले जाएंगे, और अगर 1, 1 है तो इसका मतलब है कि हम आखिरी इनपुट को आउटपुट पर ले जाएंगे, बाकियों के साथ भी यही हम काम कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम ALU की बात करते हैं तो ALU का भी ये काम है, ठीक है जी। ALU क्या करेगा हम ये जानना चाहेंगे, ALU को देखेंगे, A और B इनपुट्स आएंगे, ठीक है जी, और एक आउटपुट होगा, ठीक। आउटपुट क्या हो सकती है, एडिशन का रिजल्ट हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट हो सकता है, और किसका रिजल्ट हो सकता है, एंड और ऑपरेशन का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आउटपुट किसका रिजल्ट है, तो हम देखेंगे सिलेक्ट लाइन, और इसकी सिलेक्ट लाइन का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ALU op। तो ALU op जब 0, 0 होगा तो इसका मतलब है कि ALU के आउटपुट पे रिजल्ट क्या होगा, A+B, और जब ALU op 0, 1 होगा तो इसका मतलब है कि ALU की आउटपुट पर रिजल्ट क्या है हमारे पास, A-B, ठीक है जी। सिमिलरली आप और एंड के केस को भी देख सकते हैं और इसका सिंबल ध्यान में रखिएगा। फिर हमारे पास आ जाती है रजिस्टर्स, रजिस्टर फाइल, यानी कि इसको हम कहेंगे बल्कि बेहतर नाम है इसका RF, रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल क्या बताती है कि हम रजिस्टर से डाटा रीड करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो डाटा हमें किस तरह से चाहिए, हम
जो भी डाटा ले रहे हैं आपको पता है वो रजिस्टर से ही ले रहे हैं, ठीक है जी। तो दो किस्म का हमें डाटा चाहिए हो सकता है, सोर्स वन और सोर्स टू। RS1 RS2 हमें बताएगा कि हम सोर्स कहाँ से उठाने हैं, सोर्स वन कहाँ से उठाना है और सोर्स टू कहाँ से उठाना है ए और बी पे। सो RS1 से हमें पता चलेगा ए पर क्या आएगा, RS2 पे पता चलेगा बी पर क्या आएगा, ठीक है जी। और तीसरी चीज हमारे पास RD बताएगा कि हमें रिजल्ट कहाँ पे रखना है, ठीक है जी, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। और आखिरी चीज राइट डाटा के रिजल्ट कहाँ, कौन सा रिजल्ट रखना है, ठीक है जी। सो अगर हम देखें रजिस्टर फाइल को, तो रजिस्टर फाइल में अगर इसमें हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स भी हैं दो, रीड और राइट। सो अगर हमारा रीड का सिग्नल हाई है, यानी कि रीड 1 है और राइट क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, रीड 1 है और राइट 0, तो इसका मतलब क्या है कि हम RS1 और RS2 पे जो कुछ पड़ा है वो ए पे लाना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें S2 और S3 की, तो जो कुछ है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉलर S2, यहाँ पे क्या आ जाएगा डॉलर S3, ठीक है जी। अब ये ऑपरेशन होगा ALU के पास जाके, ALU क्या करेगा इसमें एडिशन करेगा, एडिशन करके हमारे पास रिजल्ट कहाँ पे आएगा वापस WD में। ये हम देखेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट वापस आता है हमारे पास, सो WD में आएगा, ठीक है जी। और RD बताएगा कि ये WD किस जगह रखना है आपने। सो आपको पता है कि WD कहाँ पे रखना है, डॉलर S1। सो आप डॉलर S1 पे S2 प्लस S3 का रिजल्ट रखते हैं, ठीक है जी। और आखिरी चीज हमारे पास दैट इज मेमोरी। मेमोरी भी बिल्कुल जिस तरीके से रजिस्टर फाइल काम करती है उसी तरीके से काम करती है। फर्क क्या है कि हमारे पास यहाँ पे एक एड्रेस है और एक ही हमारे पास डाटा रीड होके आ रहा है। सो एड्रेस आप बताएंगे कि किस एड्रेस से डाटा रीड करके लाना है, ठीक है जी, और वो डाटा किस पे आ जाएगा, डाटा आउट पे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये सिग्नल क्या हो जाए, मेमोरी रीड का सिग्नल 1 हो जाए और राइट का सिग्नल 0 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे जाएंगे, जो कुछ पड़ा उसको बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है जी। और अगर उल्टा हो जाए तो हम जो अभी एड्रेस है मसलन 20 पे जाएंगे और जो कुछ डाटा इन पे पड़ा उसको वापस जाके हम किधर रख देंगे, जो एड्रेस हमें पता चला, ठीक है जी। सो इस तरीके से आज हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर ली है, हमने चार चीजों को देख लिया। हमने देख लिया कि लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं, ALU क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं और मेमोरी क्या होते हैं। आज के लेक्चर को हम यहीं तक कंक्लूड करना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है ना फॉर्मली जो है वो अपना प्रोसेसर डिजाइन शुरू करें।